हेलो रिवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डायनापार इंजेक्शन के बारे में तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में फिर उसके डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे कि जिसके अंदर उसके मेकेनिजम ऑफ एक्शन उसके डोज कॉन्ट्राइंडेस एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं फिर उसके लेबल के ऊपर आप देखते होंगे कि पीछे लिखा हुआ है ये एक क्यू तो किसी भी लेबल के ऊपर आपको पीछे देखने को मिलेगा ये एक्यू कि पर ए क्यू इंजेक्शन तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक क्यू कि एक क्यू का मतलब क्या होगा तो वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ आगे ये वीडियो लेक्चर में फिर ये इंजेक्शन को सेफली यूज करने के लिए इसका प्रॉपर अच्छे से सेफ यूज हो इसके लिए जानना पड़ता है प्रॉपर इंडिकेशंस के बारे में फिर प्रिकॉशंस के बारे में जानना पड़ता है तो वो सब जानकारी भी ये वीडियो लेक्चर में हम आपको डिटेल में प्रोवाइड करेंगे तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मर ऑक्स थैंक यू फॉर बी इन वन फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन यूज द एफ फार्मरॉक्स की जहाँ पे आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाओगे तभी डाउनलोड करिए एफ फार्मरॉक्स की जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर ऊपर और एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी अभी तो डाउनलोड कर सकते हैं एफ फार्मारॉक्स शुरू करते हैं आज के लेक्चर में और समझते हैं सबसे पहले डायनापर इंजेक्शन के यूज के बारे में तो डायनापर जो इंजेक्शन है डायनापर इंजेक्शन इज ए पेन किलर मतलब कि जो पेन रिलीविंग हम कहते हैं मेडिसिन कम अंडर द क्लास ऑफ मेडिसिन कॉल एनालजेसिक तो डायनापर का जो इंजेक्शन है वो हम जो अलग अलग फार्माकोलॉजिकली क्लासिफिकेशन सीखते हैं और उसमें जो एनालजेसिक कैटेगरी आती है कौन सी एनालैसिक तो एनालैसिक कैटेगरी के अंदर ये इंजेक्शन जो है वो आता है और उसके अंदर जो हम कोई मेडिसिन है तो दैट इज डाइक्लोफेनेक सोडियम सेवेंटी फाइव एम जी इज द मेन ए पी आई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन दिस इंजेक्शन दैट इज कॉल्ड डायनापार इंजेक्शन मतलब कि डायनापार जो है वो पेन किलर के तौर पे यूज होता है स्पेशली पेन रिलीविंग इंजेक्शन के तौर पे यूज होता है और इसके अंदर जो मेन मेडिसिन होती है दैट इज अ डाइक्लोफेनेक सोडियम और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज अ सेवेंटी फाइव एम जी तभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये पीछे एक क्यू लिखा है तो ये एक य्यू का मतलब क्या है तो एक क्यू दैट मीन्स कि जो लेटिन टर्म है ए फॉर एक्वा एंड क्यू फॉर ए क्यू मतलब कि एक्वा डिस्टिल आटा जिसका मतलब होता है डिस्टिल वाटर जिसका मतलब होता है डिस्टिल वाटर की जो एक लेटिन टर्म है तो एक्वा डिस्टिलाटा जो पूरा वर्ड है उसके शॉर्ट फॉर्म को यहाँ पे एक क्यू करके लिखा है तो ये लिखने के पीछे का जो रीज़न है बिकॉज कि ये इंजेक्शन है टोटली एक्वियस एंड फ्री फ्रॉम प्रोपिलिन ग्लाइकॉल कि ये इंजेक्शन के अंदर प्रॉपिलिन ग्लाइकॉल जो है वो ऐड नहीं किया हुआ है डायरेक्टली जो है वो बना हुआ है एक्वियस मीडिया के अंदर एक्वियस मीडिया की जिसको हम कहते हैं वाटर और उसमें भी जो एक्यू मतलब कि जो डिस्टिल वाटर है वो स्पेशली प्रेफर किया जाता है टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इसी के लिए उसके जो पीछे है वो लिखा हुआ है ए क्यू आगे समझते हैं कि डायना पर जो इंजेक्शन है वो आर एक्स ऑनली इंजेक्शन है मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन है एंड इट कंटेन्स द डाइक्लोफेनिक विच बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल नॉन स्टेडोडर एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग तो डायनापार के अंदर जो मेन मेडिसिन है वो है डाइक्लोफेनेक और डाइक्लोफेनेक तो हम जानते ही है कि वो नॉन स्टीरोडर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है एंड इट इज़ वन ऑफ द पावरफुल पेन किलर मेडिसिन की जिसको हम कहते हैं एनालजेसिक तो ये खास आपको ध्यान रखना है कि ये आर एक्स ओनली है प्रिस्क्रिप्सन ओनली मेडिकेशंस रहता है ये कि ये इंजेक्शन को प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ उनके एडवाइस के साथ और प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही उसको यूज़ करना है तो ये अच्छे से आपको याद रखना है डायनापार के बारे में फिर जो उसके जो हम मैन्युफैक्चर देखें तो ट्राइका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ डायनापार इंजेक्शन दैट है सेवेंटी फाइव एम पर एमएल स्ट्रेंथ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन 75 फाइव पर एम एल जिसके अंदर लिखा है कि सर्फेक्टेंट फ्री और यहाँ पे जो कंपनी का लॉगो है कि ट्रॉइका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड ट्राइका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड फाउंडेड इन ईयर ऑफ 1983 एंड इट इज ए इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी हेड क्वार्टर सीन अहमदाबाद गुजरात तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो डायनाफर इंजेक्शन के जो मैन्युफैक्चरर है तो वो ट्राइका फार्मास्यूटिकल्स है कि ट्राइका फार्मास्यूटिकल और उसका जो हेड क्वार्टर सम का है तो दैट इज़ इन अहमदाबाद गुजरात और ये जो फार्मा कंपनी है वो इंडियन बेस मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसका शुरुआत हुआ था 1983 के अंदर तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डाइनापर इंजेक्शन तो डायनापर इंजेक्शन का यूज क्या है तो इट इज यूज टू ट्रीट पेन मेन तो वो पेन रिलीवर्स के तौर पे यूज होता है बट कौन से टाइप के पेन्स के अंदर ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिए जाते हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद द कंडीशंस ऑफ द पेन लाइक द गाउट कि जब किसी को गाउट के कारण काफ़ी पेन हो रहा है माइग्रेन हेडेक के कारण जो पेन हो रहा है रोमेटोड आर्थराइटिस है, then, uh, and and के अंदर पेन हो रहा है देन स्प्रेन्स ऑफ मसल्स एंड जॉइंट एंड माइल्ड टू मॉडरेट फीवर इन सम केसेस कि माइल्ड टू मॉडरेट फीवर के कारण भी जब आपको बॉडी पेन्स होते हैं तो उस वक्त भी ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिए जाते हैं एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट पेन स्वेलिंग स्टिफनेस एंड जॉइंट पेन इन कंडीशंस लाइक रोमेटोड आर्थराइटिस ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर आपको जो हम कहें कि आर्थराइटिस की जो हम कंडीशन सोचते हैं कि रोमेटोड आर्थराइटिस तो रोमेटोड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के अंदर जब आपको पेन की ट्रीटमेंट करनी है साथ में पेशेंट को वहाँ पे स्वेलिंग भी है जॉइंट के ऊपर जॉइंट पेन कर रहे हैं और वहाँ पे साथ ही मसल्स के अंदर स्टिफनेस हो जाती है तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये इंजेक्शन को यूज किया जाता है तो डायना पर इंजेक्शन के लिए जो डायरेक्शंस है यूज के लिए तो डानापर गिवन टू द पेशेंट बाय डॉक्टर और नर्स विद प्रॉपर एक्सपर्ट टेक्निक्स की प्रॉपर एक्सपर्टाइज के साथ ही ये इंजेक्शन को पेशेंट को दिए जाते हैं एंड दे गिव इट बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन अ ड्रिप इंटू वेन और बाय एन इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन एन इंजेक्शन इंटू ए मसल्स कि चाहे उसको आप इंट्रावेनसली आईवी वी ड्रिप के तौर पे देते हैं वेन के अंदर ये एक तरीका है और दूसरा जो इंट्रामर इंजेक्शन दिया जाता है और यहाँ पे एक एडवाइस है कि डायरेक्शन के लिए रहता है कि जो इंजेक्शन को यूज़ करने के लिए जो डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन आपके लिए प्राइम इम्पोर्टेंट रहेगी दैट इज़ कि डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन ऐसा नहीं कि ये इंजेक्शन का आप सेल्फ मेडिकेशन करते हो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग कि डोंट डू द सेल्फ़ मेडिकेशन ऑफ डाइना पर इंजेक्शन इसको प्रॉपर जो एक्सपर्ट्स जो हम कहते हैं कि जो डॉक्टर्स है या फिर नर्सिस के थ्रू ही ये इंजेक्शन को जो है वो लगाना चाहिए उसके जो इंडिकेशंस हम देखें कि जो फार्माकोलॉजिकल मेन यूजेस हम देखें तो इसको जो प्रिस्क्राइब कब किया जाता है कि बिकॉज ये तो हम जानते हैं कि आर एक्स है तो उसको प्रिस्क्राइब कब किया जाता है तो इट इज़ प्रिस्क्राइब फॉर रिलीव द पेन ड्यूरिंग द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशंस जैसे कि फर्स्ट हम देखें तो जो रोमेटोड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स है उनको ये प्रिस्क्राइब किया जाता है फिर सेकंड ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसके अंदर मेनली एसोसिएटेड है पेन रिलेटेड टू द जॉइंट्स कि जो जॉइंट्स होते हैं बॉन के या फिर जो बॉन होते हैं वहां पे पेन होता है तो उस वक्त ये इंजेक्शंस पेशेंट को दिए जाते हैं तीसरी कंडीशन दैट इज एंकाइलोजिंग uh, स्पॉन्डिलाइटिस और उसके कारण होने वाले पेन को रिलीव करवाने के लिए फिर फोर्थ दैट इज़ डिसमेनोरिया के अंदर माइग्रेन के माइग्रेन जब हेडेक होता है तो उस वक्त काफ़ी सीवियर पेन होता है और वो पेन को रिलीफ करवाने के लिए भी पर इंजेक्शन जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है एंड नंबर सिक्स दैट इज़ माइल्ड टू मॉडरेट पेन मतलब कि हम शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो पेन होते हैं स्पेशली और पेन के कारण होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस एज वेल एज जो इन्फ्लेमेशंस के कारण पेन हो रहा है तो ऐसे कंडीशन के अंदर डायनापर इंजेक्शन को जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाते हैं तो ये हो गए उसके इंडिकेशन तो इंडिकेशन मतलब कि हम कहें तो फार्माकोलॉजिकल यूज़ या फिर उसके मेडिकल यूजेस तो कौन से पे ऊपर ये काम करता है वो जानना जरूरी है कि जो डायना पर इंजेक्शन है उसका ऑफ एक्शन क्या है तो इट वर्क बाय ब्लॉकिंग द केमिकल मैसेंजर्स इन ब्रेन दैट टेलर्स वी हैव पेन कि जो नर्वस सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे न्यूरोन्स है वो पेन सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन की ओर ले जाती है तो समझो कि आपका ये सेंस ऑर्गन है कि जहां पे आपको हो रहा है पेन तो ये मैसेज लेकर हमारी जो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होती है तो ये न्यूरॉन मैसेज लेकर जाती है हमारे ब्रेन की ओर कि जो हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जहाँ पे पेन होता है वो होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का रीजन तो यहां से पेन के जो सेंसेशन पेन के जो सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचते जिसके कारण हमें पता चलता है कि ये बॉडी पार्ट या फिर यहाँ पे जो है वो पेन हो रहा है तो ये जो डायनापर क्या करता है ये जो केमिकल्स जब रिलीज होते हैं कि एक न्यूरॉन फिर उसके बाद ये सेकंड न्यूरॉन थर्ड न्यूरॉन ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो के ये जो सेंसर इसे ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचाने का काम करती है तो यहाँ पे जो ऐसे मैसेंजर्स होते हैं केमिकल की जिसको हम कहते हैं न्यूरो तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर एज वेल एज जो कुछ ऐसे केमिकल्स की एक्टिविटीज़ को ये टेम्परली ब्लॉक करता है जिसके कारण जो हमें जो सेंसेशन जो है वो बंद हो जाते हैं रिगार्डिंग द पेन उसके अंदर भी हम जो देखे स्पेशली कि इट इन्वॉल्व इन ए इनहिबिशन ऑफ साइक्लो कि जिसको हम कहते हैं कॉक्स वन एंड कॉक्स टू एंड डाइक्लोफेनिक्स इज ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्रोस्टाग्लाडिन सिंथेसिस इन विट्रो तो यहाँ पे देखिए कि अराचिडोनिक एसिड जो होता है वो आगे जाके प्रोस्टाग्लैंड के अंदर कन्वर्ट होता है और उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कॉक्स वन एंड कॉक्स टू तो ये दोनों के इन्वॉल्वमेंट के कारण ये प्रोस्टाग्लैंड जो है वो फॉर्म होता है और वो आगे जाके जो है प्रोस्टाग्लैंडिन की जो मेडिएटर ऑफ पेन इन्फ्लामेशन एंड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो अगर समझो कि हम प्रोस्टाग्लैंडिन को फॉर्म जो है उसका फॉर्मेशन ना होने दे तो उसके कारण क्या होगा कि जब हम ये डाइक्लोफेनेक देते हैं ये इंजेक्शन देते हैं डायना का तो ये क्या करेगा कि यहां पे जो नॉन स्टीडर एंटी इंफ्लैमेटरी ड्रग क्या करेंगे ये जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर देंगे तो कॉक्स की एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक करवा देंगे जिसके कारण आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा प्रोस्टाग्लैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जिसके कारण जी आई म्यूक्यूसल जो प्रोटेक्शन होता है हीमोस्टेसिया होता है वो भी नहीं होगा एज वेल एज़ जो मेडिएटर ऑफ पेन थे, वो बंद हो जाएंगे इन्फ्लामेशन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा एंड फीवर में भी पेशेंट को फायदा होता है तो इस तरह से ये काम करता है बाय इनहिबिट साइक्लो के कॉक्स वन एंड कॉक्स टू की, की जरूरियात क्या है कि अराचिडोनिक एसिड प्लस ये कॉक्स मेडिएटर्स कंबाइन होकर बनाते हैं प्रोस्टाग्लैंड तो ये मेकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर काम करता है ये डायनाफार इंजेक्शन की जिसके अंदर मेन मेडिकेशन है डाइक्लोफेनिकम और डाइक्लोफेनिक नॉन स्टीरोडर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है यह इंजेक्शन के हम साइड इफेक्ट्स देखें तो इंजेक्शन की जो साइट होती है वहाँ पे जो है वो पेन होना स्वेलिंग होना एंड रेडनेस होना कि इंजेक्शन साइट के ऊपर कि जिस जगह पे इंजेक्शन जो है वो लगाया है वो लग जगह पे पेशेंट को जो है वो पेन हो सकता है स्वेलिंग होती है एज वेल एज़ वहाँ पर जो है वो रेडनेस होता है फिर दूसरी कंडीशन हम देखिए तो पेशेंट को वहाँ पे होता है आ, दूसरी जो कंडीशन देखिए तो वॉमिटिंग होती है कि जो असर होती है उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ऊपर तो जी आई ट्रैक की जो इफ़ेक्ट के तौर पे पेशेंट को जो है वो वॉमिटिंग हो सकती है साथ में स्टमक पेन भी रहता है कि जो हम कहते हैं कि एबडोमिनल ब्लोटिंग जैसा होना नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील होना एब्डोमिनल पेन होना कि जो स्टमक पेन कहते हैं हम फिर आगे जाके एपीगैस्ट्रिक पेन होता है नोजिया रहता है इनडाइजेसन जैसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है फिर हार्ट बन रहता है कि बर्निंग फीलिंग जो हम बात करते हैं वो होना और फिर लॉस ऑफ एपेटाइट तो ये सब कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलते हैं एज अ साइड इफेक्ट इन वेरियस पेशेंट आफ्टर गिविंग दिस डाइनापर इंजेक्शन तो कुछ पेशेंट्स के अंदर ये जो साइड इफेक्ट्स है वह नोटिस की जाती है आफ्टर गिविंग दिस इंजेक्शन इन ए पेशेंट बाई आई वी और बाय इंट्रामस्कुलरी तो डायनापर इंजेक्शन के लिए जो क्वेश्चन है वार्निंग है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि डो नॉट मेक द यूज ऑफ आल्कोहल विथ डाइनापार कि अगर समझो कि आपको डायनापर इंजेक्शन लगाया है तो डो नॉट मेक द यूज ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल कंज को एवॉइड करना चाहिए ये मतलब यह ये है कि एवॉइड द यूज ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल का यूज जो है वो एवॉड करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि जब उसको डायनापर के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो एज अ पेशेंट काउंसलिंग भी जो फार्मासिस्ट होते हैं नर्सिंग स्टाफ होता है फिजिशियन से वो भी उनको एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग टू अवॉइड द यूज ऑफ अल्कोहल इफ़ यू आर टेकिंग द डाइनापर इंजेक्शन कि अगर कोई डायनापार के इंजेक्शन ले रहा है तो उसको अल्कोहल का जो कंजप्शन है कम्प्लीटली एवॉड करना चाहिए तो डू नो मेक द यूज ऑफ अल्कोहल विथ डायनापार सेकेंड वार्निंग ये है कि डायनापर इंजेक्शन इज़ अनसेफ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस देर इज़ ए डेफिनेट एविडेंस ऑफ रिस्क ऑफ रिस्क टू द डेवलपिंग बेबी की जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है उसके जो डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो असर हो सकती है जिसके कारण प्रेगनेंसी के दौरान ये अनसेफ है तो गलती से भी कभी जो प्रेगनेंसी के दौरान डायनापर इंजेक्शन जो है वो नहीं लेना चाहिए और समझो कि कोई कंडीशन में इंजेक्शन दिया जाता है तो प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की आपको कि उसके साथ अच्छे से डिस्कशन करनी चाहिए और अल्टरनेटिव कोई दूसरा ऑप्शन हो तो पर जो है वो कंप्लीटली एवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डू नॉट ड्राइव द व्हीकल आफ्टर डाइनापर इंजेक्शन कि अगर समझो कि किसी को डायनापर इंजेक्शन दिया जाता है तो पेशेंट को एडवाइस दी जानी चाहिए कि डू नॉट ड्राइव द व्हीकल तो फर्स्ट वार्निंग यह थी कि अल्कोहल यूज नहीं करना चाहिए ये इंजेक्शन के साथ सेकंड वार्निंग यह है कि अनसेफ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और तीसरी वार्निंग यह है कि डू नॉट ड्राइव द व्हीकल आफ्टर डायना पर इंजेक्शन बिकॉज इट मेकोज हेड ब्लर विजन डिजीनेस और ड्रॉसीनेस इन सम पेशेंट मतलब कि आपको ये इंजेक्शन लेने के बाद नींद आ सकती है आपकी विजन ब्लर हो सकती है हेड एक्स जैसा हो सकता है तो ऐसे कंडीशन में समझो कि आप ड्राइव करते हैं तो आपके लिए जो है वो आ, सेफ नहीं होगा जिसके कारण सेफ्टी के तौर पे डो नॉट ड्राइव द व्हीकल आफ्टर डाइनापर इंजेक्शन फॉर्थ वार्निंग हम देखें तो यूज ऑफ डायनापर इंजेक्शन शुड बी यूज इथ प्रॉपर कोसन इन पेशेंट विथ किडनी अगर किसी को किडनी डिज है तो ऐसी कंडीशन में विथ कोसन यूज करना चाहिए या फिर उसको करना चाहिए एवॉयड करना चाहिए तो ये एक सेफ्टी या फिर कोशन या फिर वार्निंग रहेगी डाइनापर इंजेक्शन के बारे में फिर एवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग दिस इंजेक्शन कि ये इंजेक्शन के समझो कि ट्रीटमेंट चल रही है तो उसके दौरान जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को एवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट पासिस इन टू द ब्रेस्ट मिल्क इन स्मॉल अमाउंट कि जो ब्रेस्ट के मिल्क के थ्रू स्मॉल अमाउंट के अंदर वो बेबीज के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है जिसके कारण इट इज एडवाइड टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टू एवॉइड सम साइड इफेक्ट्स इन ए स्मॉल बेबी कि छोटे बच्चों के अंदर ये जो है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडेटेड होता है डाइनापर इंजेक्शन एज वेल well एज डाइक्लोफेनि तो ये समझदारी इसी में रहेगी कि, कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या फिर कोई लैक्टेशन पीरियड्स के अंदर है तो उसको ये जो है वो मेडिकेशन एवॉइड करनी चाहिए या फिर मेडिकेशन ले रहे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग को एवॉइड करिए जिसके कारण उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट है उसकी जो साइड इफेक्ट है वो छोटे बच्चे के ऊपर ना पड़े कोई फिर सिक्स दैट इज डोंट यूज इफ पर्सन ए अस्थमा और ही और सी एक्सपीरियंस प्रोन टू सीजनल एलर्जीज रिनिट एंड अदर लंग एंड थ्रॉट प्रॉब्लम तो अगर किसी को अस्थमा है उसके अलावा जो हम रेस्पिरेटरी रैक रिलेटेड दूसरी हम डिसीजेस देखें लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है थ्रॉट प्रॉब्लम है सीजनल एलर्जीज वगैरह रहती है एलर्जी ग्रीनिटीज वगैरह है तो ऐसे कंडीशन में भी उसको यूज नहीं करना चाहिए कॉन्ट्राइंडेसन देखे तो एलर्जीज टू डाइक्लोफेनिक कि अगर किसी को डाइक्लोफेनिक की एलर्जी है तो ऐसे कंडीशन में ये इंडिकेशन है इंडिकेशन मीन्स डू नॉट यूज डू नॉट यूज गलती से भी यूज नहीं करना चाहिए तो ये चीज है कि कॉन्ट्राइंडेशन क्योंकि एलर्जिक टू डाइक्लोफेनिक अगर किसी को डाइक्लोफेनिक की एलर्जी है तो आपको पहले ही आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से उनको बता देना चाहिए या फिर जो भी आपको पेशेंट काउंसलिंग करते हैं उस दौरान पेशेंट को पूछना जरूरी है कि आपको डाइक्लोफेनिक की एलर्जी है या नहीं सेकंड कि एक्टिव स्टमक और इंटेस्टाइनल और ब्लीडिंग प्रॉब्लम अगर समझो कि किसी को ऑलरेडी स्टमक और इंटेस्टाइन रिलेटेड अल्सर है और ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में भी उसको यूज नहीं करना चाहिए तीसरी हिस्ट्री ऑफ स्टमक अल्सर्स और ब्लीडिंग ड्यू टू यूज ऑफ पेन किलर कई बार क्या होता है कुछ लोगों को पेन किलर्स लेने के बाद और उसमें भी स्पेशली जो डाइकलोफेनिक है कि जो वो काफ़ी पावरफुल रहता है तो वो लेने के कारण उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं ब्लीडिंग होती है तो वो केसेस के अंदर उसको यूज़ नहीं करना चाहिए फिर डोंट यूज इफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रेन एंड हार्ट डिसीज़ लाइक हार्ट अटैक स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर किसी को ब्रेन एंड हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है तो वो पेशेंट्स को कभी भी डायनापार का इंजेक्शन नहीं देना चाहिए तो डाइनापर इंजेक्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ए पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेन and heart related disease like heart attack, brain stroke and heart failure. फिर देखें पांचवे नंबर पे contra indication कि don't use uh, to the patient have a problem with blood circulation or any सर्कुलेटरी disease मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो उसको भी ये नहीं देना चाहिए. फिर नंबर छे पे देखें तो एक्टिव लीवर और किडनी फेलियर कि किसी का किडनी का प्रॉब्लम है किडनी फेलियर का पेशेंट है या फिर लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी नहीं देना चाहिए ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी की इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डोंट यूज इन ए चिल्ड्रन अंडर द फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज अंडर एनी सरकमटन्स किसी भी हालत में या फिर किसी भी कंडीशन के अंदर यूज नहीं करना है इन चिल्ड्रन अंडर फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज उसके बाद देखिए कि हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स कि अगर किसी को ब्लड क्लोटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हुए थे ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ डायनापर तो उनके लिए भी आपको ये कॉन्ट्राइंडेटेड है एंड नंबर टेन सर्जरी एसोसिएटेड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग सर्जरी या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है पेशेंट का तो उसके कारण जो ब्लीडिंग का रिस्क रहता है तो उस वक्त उसके पेन सेंसेशन कम करने के लिए डायनापार जो है वो यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज उसके कारण शायद ब्लीडिंग जो है वो और बढ़ सकती है और जो ब्लड लॉस हो सकता है आफ्टर सर्जरी और ऑपरेशन तो ये अवॉइड करने के लिए ये हम कहे तो कॉन्ट्राइंडेटेड से तो इंडिकेटेड का मीनिंग हमेशा आप याद रखिए उसका मतलब यह रहेगा कि डू नॉट यूज डो नॉट यूज इन फॉलोइंग कंडीशन डू नॉट यूज इन दिस कंडीशंस अब जान लेते हैं उसके सेफ यूज तो ये सब इंडिकेशन से साइड इफेक्ट से प्रीकॉशंस से वार्निंग है तो उसको किस तरह से सेफली यूज़ किया जाए तो सबसे पहले तो फॉर द सेफ यूज़ ऑफ डाइनापार मस्ट फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस। ये जो हम जान रहे हैं वो कंडीशन को जरूर से फॉलो करनी चाहिए कि सबसे पहले तो अच्छे से प्रॉपर डायग्नोसिस कि जो भी पर्सन है उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए और डायग्नोसिस के तौर पे जो अलग अलग समझो कि जो आपको रीज़न जानना है उसके कंडीशन का तो उसके लिए प्रॉपर जितने भी अलग अलग डायग्नोस्टिक फीचर्स रहते हैं कि जैसे कि आप कोई इमेजिंग टेस्ट वगैरह किए जाते हैं बॉडी फ्लूड्स रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं कि लाइक ब्लड टेस्ट किया जाए सीरम टेस्ट किया जाए यूरिन टेस्ट किया जाए फिर uh, दूसरे जो डायग्नोस्टिक फीचर्स है कि लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह तो वो सब अच्छे से डायग्नोसिस होना चाहिए उसके बाद ही ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए सेकंड ज़रूरी है पेशेंट काउंसलिंग कि अच्छे से पेशेंट को काउंसलिंग करना चाहिए उसकी मेडिकल हिस्ट्री जरूर से चेक करनी चाहिए और मेडिकल हिस्ट्री के दौरान जो हमने देखा कि प्रीवियसली उसको कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम था स्टमक अल्सर था किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये सब आपको तब पता चलेगा कि जब अच्छे से पेशेंट की आप मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं उसका अच्छे से पेशेंट काउंसलिंग होता है एंड इंजेक्शन खास देने चाहिए बाय द एक्सपर्ट ओनली एंड मस्ट रीड द वार्निंग्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बिफोर द यूज़ कि ऐसा नहीं कि तरत कोई ऐसा कोई आपके पास पेशेंट है कि जिसको काफी सीवियर पेन हो रहा है और तुरंत आप उसको ये डायनापार का इंजेक्शन लगाए तो ये जो है वो एडवाइजेबल नहीं रहेगा बिकॉज पेशेंट सेफ्टी इज फर्स्ट कि पेशेंट सेफ्टी इज द फर्स्ट कि जो पेशेंट की सेफ्टी है वो खास इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंजेक्शन के कारण समझे कि उसके ऊपर अलग अलग रिस्क आ सकते हैं तो इसको हम एवॉइड कर सकते हैं तो उसके ऑप्शन में जो दूसरे पेन किलर्स होते हैं जैसे कि आप सिंपल एसीग्लोफेनिक लेते हैं या फिर उसके पैरासीटामल के साथ कॉम्बिनेशंस आते हैं वो यूज़ करें या फिर इसके जेल यूज़ करने से भी समझो कि पेशेंट ट्रीट हो जाता हो या फिर उसके टैबलेट से तो इंजेक्शन जो है वो आप एवॉड कर सकते हैं तो जरूरी है सबसे पहले डायग्नोसिस का पेशेंट काउंसलिंग का उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करने का फिर इंजेक्शन लगाए तो प्रॉपर एक्सपर्ट टाइस के साथ एंड जरूर से जो हमने ये लेक्चर में जो सीखे कि जो वार्निंग्स थे कॉन्ट्राइंडेशन थे वो जरूर से एक बार आपको रीड करने चाहिए बिफोर द यूज ऑफ दिस डायना पर इंजेक्शन बिकॉज सेफ्टी खास इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन भी उसका सेल्फ मेडिकेशन करता है तो वो भी हम हमेशा आपको कहते हैं कि डोंट मेक द सेल्फ मेडिकेशन डोंट मेक सेल्फ मेडिकेशन बिकॉज वो डेंजरस होता है प्रॉपर आपको डायग्नोसिस के बाद आपका अच्छे से काउंसलिंग करवाने के बाद ही मेडिकेशन लेने चाहिए तो ये था डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द डायनापर इंजेक्शन हमारे जो लेक्चर नोट्स होते हैं पी वगैरह होते हैं वो फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर मिल जाएंगे कि जो सब्जेक्ट्स वाइज नोट्स रहते हैं पी डी एफ एन एन रहती है हमारे लेक्चर की रैपिड रिविजन नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे फार्मोरक्स की ऐप ऊपर तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए कॉमेंट करिए एंड वैल्यूएबल सजेशंस आप कमेंट कर सकते हैं ऑल्सो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मरक्स सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट